नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि शाम के बुलेटिन समाचार में आ रहे हैं। बता दें कि झारखंड के सीएम चंपई सोरेन की आज दूसरी कैबिनेट बैठक रही। कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। चंपई सोरेन ने छात्राओं, किसानों एवं आईआरबी जवानों को दी है बड़ी खुशखबरी। कैबिनेट में 25 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। झारखंड की छात्राओं और किसानों को नक्सली एवं उग्रवादी घटना में जान गंवाने वाले आईआरबी के जवानों एवं कर्मियों के लिए चंपई सोरेन की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 फैसलों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दाहिल ने यह जानकारी दी है। पहले कैबिनेट सचिव वंदना दाहिल ने बताया कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ें, इसके लिए सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। वहीं समय पर कृषि ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को 1% अतिरिक्त ब्याज माफी का भी निर्णय कैबिनेट ने में लिया गया है। वहीं आरबीआई जवानों को सेवानिवृत्त आयु एवं नक्सली या उग्रवादी घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रितों के हित में अहम फैसला लिया गया है। वंदना दाहिल ने बताया कि झारखंड में छात्राओं को तकनीकी शिक्षा देने की मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना झारखंड सरकार लागू करेगी। इसके तहत राज्य में राजकीय एवं पीवीडी पीपीपी मोड पर संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली 10वीं 5 छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बीटेक कोर्स करने वाली छात्राओं के प्रतिवर्ष सरकार 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। इसके साथ ही शर्त यह भी रखी गई है कि लागू छात्राओं को 50% अंक के साथ पास करना होगा। पास करने के बाद उन्हें यह राशि मिलेगी। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ सभी छात्राओं को मिलेगा। कैबिनेट सचिव ने बताया कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने आगे आए, इसलिए यह फैसला लिया गया है। बताया गया है कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों के में अभी झारखंड में 6 छात्रों का अनुपात 6:1 है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो स्थिति है उसके मुताबिक डिप्लोमा में 3,000 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा, जबकि बीटेक में की 1,200 छात्राएं इससे लाभान्वित होंगी। तो इसी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट ने 3 दिन की ईडी रिमांड में भेजा है। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए के विशेष जज राजीव रंजन ने 3 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कोर्ट से हेमंत सोरेन की 4 दिन की रिमांड की मांग की थी। हेमंत सोरेन के वकील ने इनको और ईडी रिमांड देने का कोर्ट में विरोध किया था। वहाँ की हेमंत सोरेन से जितनी पूछताछ होनी थी 10 दिन में हो चुकी है, इनसे और पूछताछ की जरूरत नहीं है। लेकिन विशेष जज ने झारखंड के पूर्व सीएम को 3 दिन की ईडी रिमांड से भेजने का आदेश सुना दिया। तो वहीं वो झारखंड विधानसभा में 27 फरवरी को पेश होगा बजट सत्र। झारखंड की विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी को से शुरू हो जाएगा, जो कि 2 मार्च तक चलेगा। तो वहीं 27 फरवरी को बजट पेश होगा। कार्यक्रम आधारित अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो दूसरी वो कोडरमा में सड़क हादसा, परीक्षा देकर लौट रहे छात्र की मौत। कोडरमा गिरडी मुख्य मार्ग के इंद्रवार लोकाई के समीप सड़क दुर्घटना में एक छात्र की मौत हो गई है। वहीं दूसरे की स्थिति गंभीर है। मोटरसाइकिल सवार दोनों छात्र परीक्षा देकर घर लौट रहे थे, तभी एक बुजुर्ग ने उन्हें अपनी झपेट में ले लिया। मृतक छात्र सफाई का रहने वाला है। तो ऐसी रांची की योग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना कुमारी को मिला योगिनी अवार्ड। बचले के रांची की योग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना कुमारी को योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान परमार्थ निकेतन ऋषिकेश उत्तराखंड और एल्ड गर्ल लाइफ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। भारतीय योग सभा संघ के सचिव डॉक्टर सुबोध तिवारी ने यह सम्मान दिया। डॉक्टर अर्चना कुमारी झारखंड की एकमात्र ऐसी उम्मीदवार थी जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। तो वैसे वो सखी मंडल के महासम्मेलन में बोले चंपई सोरेन, समाज और राज्य के विकास में पुरुषों से ज़्यादा योगदान महिलाओं का। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। घर संभालने से लेकर खेत खलिहान तक में योगदान दे रही हैं। हर घर से समाज तक पुरुषों से ज़्यादा योगदान दे रही हैं, इसलिए हमारी सरकार ने सखी मंडल के सशक्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में सखी मंडल की महिलाओं का राज्य स्तरीय कसपोजर एवं क्षमता संवर्धन शिविर सब महिला महासम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। तो हजूरी और हजारीबाग से एक बड़ी खबर लेकर आ रही है। बैंक ऑफ इंडिया का ATM काट कर ले गए चोर, नहीं थी कोई सुरक्षा व्यवस्था। बचले के हजारीबाग में बेखौफ अपराधियों ने हाईवे के बगल में स्थित एक ATM की चोरी कर ली। घटना जिले के पद्मा प्रखंड की है, यहां जहां बैंक ऑफ इंडिया की ATM को चोर काट कर ले गए हैं। जानकारी के मुताबिक ATM में 20,92,700 रुपये थे। चोरों ने रविवार की रात करीब 12:15 बजे घटना को अंजाम दिया।
सुबह जब लोगों ने एटीएम का फटाफट टूटा देखा तो उन्हें शक हुआ। सामने जाकर देखा तो अंदर से एटीएम ही गायब था, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और बैंक के अधिकारी को दी। जानकारी मिलते ही बैंक अधिकारी और पद्मा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। तो वही दूसरी वो झारखंड स्टेट स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने जेएसएससी पेपर लीक मामले में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन की मांग। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने राज्यपाल सी पी राधाकृष्ण से मुलाकात कर जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में विस्तृत जानकारी दी। यूनियन प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने इस घटना को मास्टरमाइंड और इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते समेत कई मांगों पर ज्ञापन सौंपा है। बातचीत में राज्यपाल ने सकारात्मक और निष्पक्ष कार्रवाई करने का भरोसा दे दिया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्यपाल सी पी राधाकृष्ण को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के सारे सबूत दे दिए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस घटना में शामिल मास्टरमाइंड और उनके सहयोगियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ देवेंद्र महतो ने यह भी जानकारी दी कि हमने इस आंदोलन में शामिल सभी निर्दोष छात्राओं पर हुए एफआईआर को रद्द करने का आग्रह भी किया है। तो ऐसी वो झारखंड सभी 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है। आलाकमान तय करेगा उम्मीदवार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। उम्मीदवारों के चयन के लिए आलाकमान को अधिकृत कर दिया गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक के बाद यह जानकारी दी गई है। तो वहीं दूसरी वो झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता को अपराधियों ने दौड़ाकर मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। झारखंड में अपराधियों के मनोबल बढ़ता जा रहा है। राजधानी रांची में इस बार बेखौफ अपराधियों ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा पर फायरिंग कर दी। अपराधियों का साहस इतना बढ़ गया हुआ है कि उन्होंने अधिवक्ता को दौड़ाकर गोली मारी। घटना सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की है, जहां रविवार की देर रात राजा हता मोहल्ला में अधिवक्ता को गोली मारी गई। घटना में उन्हें गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रदेश के अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा लातूर रोड मेट्रो गली में रहने वाले हैं। तो वैसे वो गढ़वा पलामू समेत झारखंड के इन जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। झारखंड के कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पहले की भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मौसम केंद्र रांची की ओर से स्पेशल बुलेटिन जारी किया गया। इसमें झारखंड राज्य में ओलावृष्टि का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि पलामू प्रखंड के गढ़वा पलामू समेत कम से कम 4 जिलों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। इन 4 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची समेत इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। वहीं झारखंड के राजधानी रांची, गुमला, लोहरदगा समेत 5 जिलों में भी कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। इन 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के प्रमुख ने बताया है कि गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, रांची और कोडरमा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं वो धनबाद में हेमंत सोरेन के करीबी के यहाँ जीएसटी का छापा। धनबाद के में जेएमएम नेता अमित सहाय के गोविंदपुर स्थित स्टील प्लांट में जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान किसी को प्लांट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इनके प्लांट में रॉड बनाने का काम किया जाता है। छापेमारी की टीम ने प्लांट की तलाशी ली, दस्तावेजों को खंगाला और फिर बाहर निकल गए। जानकारी के मुताबिक मामला टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। मामला पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जुड़ा है। प्रदेश के जेएमएम नेता अमितेश सहाय हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं। तो श्री वो साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्यवाही, मास्टरमाइंड सहित 9 साथी गिरफ्तार, ऐसे लगाते थे लोगों को चूना। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बार फिर से सफलता हासिल की है। इस बार पुलिस ने साइबर अपराध से में संलिप्तता के आरोप में 9 ऐसे साथियों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। ये बजाज फाइनेंस कंपनी का कर्मी बनकर वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर सेक्शन टॉसन के जरिए और एक्सॉर्ट फल सप्लायर बनकर पैसे ठकने का काम करते थे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 25 मोबाइल फ़ोन, 28 सिम कार्ड, 23 एटीएम कार्ड, 17 बैंक पासबुक, 4 पैन कार्ड और 13 आधार कार्ड बरामद किए हैं। तो वहीं वो दिल्ली में एक महीने तक धारा 144 लागू कर दी गई है। 30 दिनों तक इन चीज़ों पर रहेगी पाबंदी। किसानों के कल यानी सोमवार से प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है करते हुए कहा कि अब धारा लागू कर दी गई है। दिल्ली कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि अब पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। इससे पहले रविवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली और यूपी की सीमाओं पर सीपीसी की धारा 144 आई
कृषि की धारा 44 लागू की गई थी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने किसानों के दलित दिल्ली चलो मार्च के कारण बड़े पैमाने पर तनाव असामाजिक अशांति के खतरे की आशंका करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में 1 महीने के लिए आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने संभावना जताई है कि मार्च के दौरान किसान पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। एक थी आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही थी। तो हमें खबर पसंद को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।